सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भी एक और डिफेंस शेयर को लेकर, जो है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इस शेयर में आप लोग देखोगे बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली, 5.5% ये जो शेयर है वो आज करेक्शन पर आते हुए नजर आया है। और जो टोटल जो गिरावट हुई अपने बाउंड वीक हाई से, जो कि करीब आप लोग देखोगे 2900 के आसपास है, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसने स्प्लिट वगैरह दिया था ना, बीच में बाउंस दिया, स्प्लिट दिया था, उसके बाद जो इसका भाव है वो आप लोग देखोगे भी आ गया था लगभग 1700-1800 के आसपास, इसका बाउंड वीक हाई बन रहा अभी के टाइम। तो उस भाव से जो ये स्टॉक है वो लगभग आप लोग देखोगे 41% क्रैश हो चुका है अभी, ठीक है। तो इस शेयर में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली अपने हाई से, तो क्या स्टॉक फिर से उस हाई तक जा पाएगा या फिर नहीं, क्या इसमें जो फिर से एक अच्छा मूव बनेगा भी या फिर नहीं, इस स्टॉक में आगे किस प्रकार के माहौल बनेंगे, आज स्टॉक क्यों टूटा, सभी के मन में ये डाउट चल रहे हैं। अभी देखो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा था, इसलिए आप लोग देखो इसके अंदर तेजी बहुत अच्छी बनी। पीछे जो अदर डिफेंस स्टॉक है, HAL है, Bell है, या फिर आप लोग मजगांव डॉक है, कोचिंग शिपयार्ड है, या फिर GRS है, उनमें भी गिरावट हमें देखने को मिली है। अकेला ये शेयर तो नहीं है वो टूटा हो, या फिर अदर जो PSU उनमें भी गिरावट है भाई। तो PSUs में हमें भारी भरकम फॉल देखने को मिला है। इस शेयर के अंदर एक अच्छी रिकवरी बनेगी, लेकिन सस्ते वैल्यूएशन पर हो जाएगा तब ये, या फिर आप लोग देखोगे अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे तब। तो यहाँ पर कंपनी की तरफ से कुछ एक खबरें आई हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो 42% है, 41% जो भी टूटा हुआ है, क्या ये मौका है या फिर यहाँ से रिवर्सल कब बनेगा, ये डाउट्स आपके रहेंगे भाई। तो यहाँ पर देखोगे स्टॉक अपने वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप लोग चेक करोगे तो इंडस्ट्री पी से डाउन आ चुका है ये, हालांकि अभी भी 66 के पी पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री पी से नीचे आ गया, ये एक अच्छी बात है। और प्राइस टू बुक रेशियो इसका 10 के आसपास है, एंड जो PEG रेशियो है इसका 1.1 है भाई, और RSI MFI आप लोग देखोगे ये भी इसके ठीक ठाक रेंज में आए हुए हैं। तो अभी के टाइम आपको सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। जो नेगेटिव है वो ये है कि स्टॉक अपने 100 MA, ठीक है, 50 SMA है, या फिर आप लोग देखोगे 200 SMA है, वहाँ से नीचे में हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप आगे किस प्रकार के क्या माहौल बनेंगे, चलिए चार्ट देखते हैं। चार्ट से पहले जो खबर आई वो भी आपको दिखा देते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी की तरफ से अभी अभी ये नोटिस पब्लिश किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग NSE BSE की साइट पर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तो कंपनी ने यहाँ पर अपने जो अभी रिजल्ट डेट अनाउंस कर दी है, कंपनी के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो आएंगे 14 तारीख को भी, 14 नवंबर को। और जैसे रिजल्ट्स आएंगे सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर उसका अपडेट मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए अब अभी इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं, चार्ट पर किस प्रकार से क्या माहौल बने हुए इसके। तो आप लोग देखोगे यहाँ पर जो इसके अंदर गिरावट है वो नॉन स्टॉप जा रही है भाई, इसमें कोई दुरानी, नॉन स्टॉप करेक्शन जा रही है। 1050 के आसपास का जो लेवल था, आज फिर उसी लेवल पर जो स्टॉक फिर से आ गया भाई। इस लेवल को अगर इसे नीचे में काटा तो आप लोग देखोगे फिर अगला जो सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 895, ठीक है। तो ये सपोर्ट बनेगा इस लेवल के ऊपर जो इसने सपोर्ट क्रिएट किया था। तो स्टॉक में जो बड़ी गिरावट है वो हो चुकी है, और अभी 200 MA जो कि 1162 है, 100 MA जो इसका लगभग 1336 है, तो ये जो इसके मूविंग एवरेजेज है ऊपर से उस लेवल से फिसला हुआ है भाई, ठीक है। अभी टेक्निकली व्यू अगर देखा जाए तो बिल्कुल बियरिश मोड में आइए, और यहाँ पर आप लोग देखोगे इसके अंदर अगर रिकवरी बनेगी तो एक ब्रेकआउट के बाद ही हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखोगे हम इसका ये ट्रेंड पकड़ के चलेंगे, ये वाला आप लोग देखोगे तो यहाँ पर फिर से बड़ा डाउन ट्रेंड है, और इससे ट्रेंड लाइन को अगर ऊपर में काट के सस्टेन करता है, फिर 1162 के ऊपर में निकलता है, मार्केट अच्छी रिकवरी लेती है, उस कंडीशन में शेयर में भी एक अच्छा मूव आ सकता है ऊपर में। अदरवाइज़ अभी के टाइम दबाव तो बना हुआ है भाई। अगर आपने हाई प्राइस से खरीदा हुआ है शेयर को, ऊपर से खरीद लिया 1700 के भाव में, 1800 के भाव में, 1500 के भाव में, तो अभी बेचने की गलती मत करना भाई, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। देखो इतना टाइम स्पेंड कर दिया, थोड़ा बहुत और टाइम स्पेंड कर लो, लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा चलेगा, इसमें कोई दुआ नहीं। जैसे कि आप लोग देखोगे जिस फील्ड में काम कर रही है वहाँ पर गवर्नमेंट का भी फोकस काफ़ी अच्छा है, इसलिए लॉन्ग टर्म विजन बिल्कुल पॉजिटिव रखिए। शॉर्ट टर्म में आप लोग 2020 के बाद सबसे बड़ी बिक वाली हुई है FII की तरफ से, और मार्केट में एक अच्छी हेल्दी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और ये करेक्शन आगे के लिए अच्छी रहेगी भाई, ठीक है। अगले 3-4 साल फिर जो भी एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है मार्केट को। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।